मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर एक बयान दिया था, जिसके पीछे अब सियासत तेज हो चली है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, तो वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस ईवीएम वाले बयान पर पलटवार आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत का सामान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक पटवारी को शासन ने निलंबित कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। नामांतरण का मामला एक महीने तक लटकाने पर भोपाल टीटी नगर पटवारी अनुराधा पटेल पर निलंबन की जो बड़ी गाज है वो गिर गई है। आपको बता दें कि पटवारी अनुराधा पटेल आवेदक को एक महीने से जो थी वो परेशान कर रही थी। मामले की जांच के बाद शिकायत सही पाई गई है। नामांतरण प्रकरण का आदेश जारी होने के बाद भी लापरवाही बरती गई है। शासकीय कार्य में लापरवाही के कारण उसे तत्काल प्रभाव से अब निलंबित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का जो है वो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जो यहाँ आपको बता दें कि पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। दूसरे दिन भी लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा का आज तीसरा दिन है। भारी भीड़ को देखते हुए अब दर्शन करने की जो समय सीमा है वो सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। गुरुवार को पौष पूर्णिमा पर्व के अवसर पर भारी संख्या में लोग जो थे वो रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया कि आज पौष पूर्णिमा का पर्व है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक एक किलोमीटर तक लाइन भी अब लग गई है। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भक्तों को देखते हुए रामलला के दर्शन का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब शाम 7 से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन के लिए कपाट जो है वो खुला रहने वाला है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि दर्शकों के लिए या यूं कहे कि भक्तों के लिए अब 7 से 10 बजे तक भी रामलला के दर्शन वो कर सकेंगे, जबकि पहले 7 बजे तक के बाद मंदिर के पट जो थे वो बंद हो जाया करते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों ठंड का प्रचंड रूप जो है वो देखने को लगातार ही मिल रहा है। प्रदेश का बीजावर देश के मैदानी शहरों में सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस जो था वो दर्ज किया गया है। सीजन में पहली बार जब पारा 1 डिग्री से नीचे गया हो 10 साल में, या दूसरी बार प्रदेश में किसी शहर या कस्बे का पारा 1 डिग्री के नीचे पहुंचा है। प्रदेश के 10 जिलों में कोहरा और 5 जिलों में पाला पड़ने की भी संभावना जो है वो मौसम वैज्ञानिक के थ्रू जताई गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कामकाज और व्यवहार कैसा रहे, इसके लिए अब ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट के मंत्रियों का अब 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। इसमें उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने और उनकी कार्य में तेजी लाने के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि नई तकनीक में जनता से मेल मुलाकात का हुनर और प्रशासनिक पकड़ कैसे हो, इसकी जानकारी उन्हें प्रशिक्षण में दी जाएगी। तो यह थी आज की मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।